दोस्तों, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, आप एक किसान हैं और आपको प्रधानमंत्री की तरफ से जो 2000 रुपए की आर्थिक राशि दी जाती है, अगर आप उसके लाभार्थी हैं तो आप सभी को ये तो पता ही होगा कि पीएम किसान की जो 11वीं किस्त है वो सभी किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है और जो 12वीं किस्त है वो भी दोस्तों बहुत जल्दी ट्रांसफर की जाने वाली है, उसकी भी डेट अनाउंस हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस बार जो 12वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी उस किस्त से दोस्तों बहुत सारे किसान जो है वंचित रह सकते हैं, बहुत सारे किसानों की जो 12वीं किस्त है वो दोस्तों अटक सकती है। अब दोस्तों क्या है पूरा मामला, सब कुछ वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, किस वजह से जो है यहां पे आपकी किस्त अटक सकती है और कैसे आपको इसके बचना है और क्या डेट अनाउंस की गई है, कब आपके अकाउंट में जो 12वीं किस्त है वो ट्रांसफर की जाएगी, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसके बारे में कंप्लीट जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके दोस्तों आप इसके बारे में कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पे जो मेन हाईलाइट है वो मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से आपकी जो किस्त है वो दोस्तों अटक सकती है और उससे आपको कैसे बचना है। तो दोस्तों, अगर आपकी जो केवाईसी है अगर आपने वो कंप्लीट नहीं की है, आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो केवाईसी है वो दोस्तों कराई गई थी और उसको आप ऑनलाइन किसी भी जन सुविधा केंद्र पे जाके केवाईसी को करवा सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं करवाई है तो आपकी जो किस्त है वो 100% दोस्तों अटक जाएगी और केवाईसी की जो लास्ट डेट है वो दोस्तों यहां पे 31 जुलाई रखी गई है। तो आपको 31 जुलाई से पहले पहले अपनी जो केवाईसी है वो दोस्तों यहां पे आपको करवा लेनी है। उसके बाद दोस्तों दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपका जो नेम है वो मिसमैच है, आपकी जो प्रोफाइल है पीएम किसान पर उसमें कुछ और नाम आपने टाइप करवा दिया है, आपके आधार कार्ड में कुछ और नेम है और आपका जो अकाउंट है उसमें आपका कुछ नेम अलग है। अगर आपका कोई भी नेम मिसमैच है, इन तीनों में से किसी में भी आपका नेम मिसमैच है तो आपकी जो किस्त है वो दोस्तों यहां पे अटक सकती है। तो आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और आपकी जो पीएम किसान की वेबसाइट में जो प्रोफाइल है, आपका जो अकाउंट है उसमें दोस्तों, उन तीनों में दोस्तों जो आपका नेम है वो दोस्तों सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर एक में भी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक भी होगी तो आपकी जो किस्त है वो दोस्तों यहां पे अटक सकती है। अगली कंडीशन दोस्तों ये हो सकती है, आप सभी को पता होगा कि इंडिया में बहुत सारे छोटे बड़े बैंक थे, लेकिन दोस्तों अब उन सभी छोटे बड़े बैंक को एक साथ मर्ज कर दिया गया है, एक साथ मिला दिया गया है, उनका विलय कर दिया गया है और जिसकी वजह से दोस्तों उनका जो आईएफएससी कोड है वो भी दोस्तों यहां पे चेंज हो गया है। जैसे ओरिएंटल बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया है, कैनरा बैंक का सिंडिकेट बैंक में जो है विलय कर दिया गया है और उन सभी का दोस्तों जो आईएफएससी कोड है वो भी चेंज हो गया है। तो आपको प्रॉपर देख लेना है कि आपका जो बैंक है कहीं वो किसी दूसरे बैंक में विलय तो नहीं हो गया है उसका, और उसका जो आईएफएससी कोड है कहीं वो चेंज तो नहीं हो गया है। अगर वो आपका आईएफएससी कोड चेंज हो गया है तो आपको क्या करना है, आपको अपने बैंक जाना है और वहां से अपना जो नया आईएफएससी कोड है वो दोस्तों आपको प्राप्त करना है और प्राप्त करने के बाद में आपको अपनी पीएम किसान की जो पोर्टल है, जो पीएम किसान की पोर्टल के ऊपर आपका अकाउंट है उस पे आपको जाके और अपना जो आईएफएससी कोड है उसको दोस्तों अपडेट कर देना है। अगर आप उसको अपडेट नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपकी जो किस्त है वो दोस्तों यहां पे अटक जाए, तो उससे पहले पहले आपको अपना आईएफएससी कोड को अपडेट कर देना है। तो दोस्तों यही वो सब कंडीशन है जिसकी वजह से आपकी जो 12वीं किस्त है वो अटक सकती है अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हो। तो आपको क्या करना है, आपको सितंबर का महीना आने से पहले पहले 3-4 काम है उनको कंप्लीट कर लेना है। अगर आप उनको कंप्लीट कर लोगे तो 100% आपकी जो 12वीं किस्त है वो दोस्तों यहां पे नहीं अटकेगी, डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो पहला तो काम ये है कि आपकी जो ईकेवाईसी है उसको आपको कंप्लीट कर लेना है, अगर आप उसको कंप्लीट नहीं करोगे तो 100% आपकी जो किस्त है वो अटक जाएगी। दूसरा काम दोस्तों ये है कि आपको जो आईएफएससी कोड है वो देख लेना है कि आपके बैंक का आईएफएससी कोड चेंज तो नहीं हो गया है, आपका बैंक किसी दूसरे बैंक में मर्ज तो नहीं हो गया है। अगर मर्ज हो गया है तो नया आईएफएससी कोड लेके आपको अपनी जो पीएम किसान की पोर्टल है उस पर अपडेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये चेक करना है कि आपका जो नेम है वो कहीं पे मिसमैच तो नहीं है, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। आपको तीन चीजों को चेक करना है, एक तो आपका बैंक अकाउंट, दूसरा आपकी पीएम किसान की जो पोर्टल है उस पर आपको चेक करना है, तीसरा आपको जो आधार कार्ड है उसमें आपको चेक कर लेना है। तीनों में दोस्तों सेम होना चाहिए, अगर सेम होगा तभी इस बार आपको जो 12वीं किस्त है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। अगर दोस्तों इनमें से कोई भी एक भी कंडीशन ऊंच नीच हो जाती है तो आपको यहाँ पे 12वीं किस्त जो है नहीं मिलेगी। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपके अकाउंट में जो 12वीं किस्त है वो कौन सी तारीख को ट्रांसफर की जाएगी। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर डेट तो दोस्तों यहाँ पे डिसाइड नहीं की गई है सरकार की तरफ से, लेकिन ये कहा गया है कि सितंबर के महीने में किसी भी तारीख को आपके अकाउंट में जो 12वीं किस्त है वो दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफर की जा सकती है। क्योंकि दोस्तों ईकेवाईसी की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई रखी गई है और आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि 31 जुलाई के बाद ही आपके अकाउंट में जो 12वीं किस्त है वो ट्रांसफर की जाएगी, क्योंकि 31 जुलाई तक तो आपकी जो केवाईसी है वही दोस्तों कंप्लीट की जाएगी, उसके बाद आपके अकाउंट में जो है आपकी जो 12वीं किस्त है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो यहाँ पे जो महीना रखा गया है वो सितंबर का रखा गया है, सितंबर के महीने में किसी भी तारीख को आपके अकाउंट में जो 12वीं किस्त है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई घंटा बजा के कर देना, फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर देना, और अगर आप सीएससी वीएलई है फिर तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना।